आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए होगा बेस्ट और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि अमेजन, फेसबुक, गूगल ये सब में आप जॉब पा सकते हैं और आसानी से इनके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। मैं आज के वीडियो में आपको टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैंने 3 कैटेगरी के बेसिस पर डिवाइड किया है, वो है इनका फ्यूचर स्कोप, दूसरा है इनका पॉपुलैरिटी और इनकम। तो इनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट रहेगा 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है PHP। अभी जो आप में से बहुत सारे लोग जो कॉलेज में होंगे या फिर जो फ्रेशर्स होंगे उनको लगता होगा कि PHP मार्केट से आउटडेटेड होते जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर अभी आप PHP का मार्केट शेयर देखें तो जो ऑल ओवर वेबसाइट्स डेवलप्ड हैं उनके 70-80% वेबसाइट्स PHP में डेवलप किए गए हैं। और जो वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट की बात करें जैसे कि फेसबुक और विकिपीडिया, ये सब जो वेबसाइट्स हैं ये सब भी PHP लैंग्वेज में ही डेवलप की गई है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा और वर्डप्रेस के हेल्प से आप बिना किसी कोडिंग की मदद से आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, तो वर्डप्रेस भी PHP में ही डेवलप किया गया है। मेरे ख्याल से PHP सीखना आपके लिए काफ़ी ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो PHP एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप आसानी से सीख के बहुत कम टाइम में बहुत हाई लेवल के स्केलेबल वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। चौथा लैंग्वेज जो बेस्ट होगा डार्ट। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू फ्लटर फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, तो डार्ट लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। और डार्ट की दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये गूगल द्वारा बैक किया गया है, मीन्स के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो गूगल प्रोवाइड करती है। आप सोच सकते हो कि गूगल जिस लैंग्वेज को बैक कर रही है वो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उसका कुछ फ्यूचर स्कोप होगा। और डार्ट सीखने का प्रॉफिट ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मीन्स आप इसे एक बार लिखिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाइए। यहाँ प्लेटफॉर्म से हमारा मतलब है अभी एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म हो गया, iOS एक प्लेटफॉर्म हो गया, विंडोज एक प्लेटफॉर्म हो गया, वही डेस्कटॉप एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप एंड्रॉइड सीख रहे हो कि जो मोबाइल ऐप्स है वो आप एंड्रॉइड में ही चला सकते हो, वहीं अगर आपने स्विफ्ट लैंग्वेज सीखा है तो आप उसके ऐप्स iOS में चला सकते हो। और वहीं जब अगर आपको C# आता है, विजुअल बेसिक आता है, तो उससे जो कोडिंग होगा वो ऐप्स या वो प्रोग्राम विंडोज में चलेगा। लेकिन डार्ट के साथ ऐसा नहीं है। डार्ट में है कि आप एक बार प्रोग्राम आप लिखते हो तो उसे आप iOS पे भी चला सकते हो, एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो, विंडोज पे भी चला सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा डेवलपर्स के लिए क्योंकि अब उन्हें सेम एप्लीकेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप नहीं करना, वो बस एक बार कोड लिख सकते हैं और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो हमने रखा है, वो है जावा। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और आपने बहुत सारे लोगों ने जावा को पढ़ा भी होगा। जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज रहा है, 2016 में स्टैक ओवरफ्लो के रिसर्च के हिसाब से टॉप लैंग्वेज था पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जिस पर लोग सीख रहे थे और काम कर रहे थे। अगर आप जावा सीखते हैं तो आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इवन जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब वगैरह, ये सब भी जावा की मदद से ही आज इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस को चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जावा सीखना आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप जावा सीखते हैं तो इसका स्कोप भी काफ़ी बड़ा है और फील्ड काफ़ी बड़ा है, मीन्स बाकी जो लैंग्वेजेज हैं जैसे अभी मैं डार्ट के बारे में बात कर रहा था तो वो भी काफ़ी कुछ जावा के सिंटेक्स पे ही बेस्ड है, और अगर आप C# सीखते हो तो वो भी जावा के जैसा ही है। तो मेरे ख्याल से जावा काफ़ी बेस्ट रहेगा अगर आप इसे सीख लेते हो। जो दूसरे नंबर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने रखा है वो है पाइथन। पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले साल का अगर कंपेरिजन, पिछले के पिछले साल यानी कि 2017-18 का कंपेरिजन करें तो जावा ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था, लेकिन इस साल 2018-19 में जावा से ज़्यादा पाइथन पॉपुलर हो गया। पाइथन इसलिए भी पॉपुलर हुआ है क्योंकि जो अभी हाल ही में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे कि अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज दी गई है जिसके मदद से आप आसानी से ये सब का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी मशीन लर्निंग में, इमेज फिल्ट्रेशन में, ये सब में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो वेब स्क्रैपिंग हो या कुछ भी हो, तो उसमें पाइथन में बना बनाया लाइब्रेरी है जिसे आप इंपोर्ट करके आप आसानी से काम कर सकते हो। वहीं अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो भी आपके लिए पाइथन बेस्ट है।
पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जैंगो, जैंगो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट काफ़ी आसानी से कर सकते हो। जो पहले नंबर पे वेबसाइट है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को पहले नंबर पे रखने का कारण ये है कि जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है डेवलपर्स के बीच। स्टैक ओवरफ्लो के रिसर्च के हिसाब से जावास्क्रिप्ट नंबर 1 पे है, और इसका और भी बहुत सारा कारण है इसके नंबर 1 पे होने का। एक तो जावास्क्रिप्ट सीखना आसान है, आप आसानी से सीख के कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और जब बात आती है वेब डेवलपमेंट की या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो वो जावास्क्रिप्ट पे ही डिपेंड है। मीन्स जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी जैसे कि जेक्वेरी, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, ये सभी के सभी जो फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप इन सब फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो, जिसके बाद आप काफ़ी आसानी और काफ़ी फास्टली वेब डेवलप कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो काफ़ी ज़्यादा ये लाइट वेट होता है, आप अगर वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो ये इतना मेमोरी नहीं लेता और काफ़ी फास्ट चलता है, जो कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें या ना सीखें, जावास्क्रिप्ट को जरूर सीखें। जावास्क्रिप्ट सीखने से आपका बेसिक क्लियर होगा और जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी। कोई भी आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको जावास्क्रिप्ट आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बिना जावास्क्रिप्ट के आप वेब डेवलपर नहीं बन सकते, क्योंकि जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो यूजर से काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट होना चाहिए, तो ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट अच्छे से हैंडल करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे कैसे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, जैसे अभी वो जावा हो या जावा स्क्रिप्ट हो या डार्ट हो, फ्लटर हो, तो वो आप यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। बस आपको यूट्यूब पे जाना है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सर्च करना है कि जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करके आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब आपके लिए बेस्ट नहीं है और आपको इससे कुछ बेस्ट चाहिए, तो आपको जाना चाहिए उडमी पे। उडमी पे वहाँ पे आपको कुछ 400 से 700 रुपये पे करके आप ट्यूटोरियल्स ले सकते हो, और उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है यूट्यूब के कंपेरिजन में। वहाँ पे आपको प्रोग्राम के साथ साथ आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि जो आपका सोर्स कोड है और जो उन्होंने जो सोर्स कोड डिजाइन किया है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और आप क्या गलती कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि सीखने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आप काफ़ी जल्दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब अगर आप फ्रेशर्स हैं या कॉलेज में हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। javateampoint.com, दूसरा है guru99.com, fresh2refresh.com, और बाकी जितने भी वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे गिग फॉर गिग्स है, ये सब वेबसाइट का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और वहाँ से आप इंटरव्यू के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा लगा कि वो इंटरव्यू देने से पहले ये सारे के सारे कोडिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि वो इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकें। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।